फायदा हो जाता है। अमृत सिंह ने पूछा है टॉप फाइव फीमेल फ्रेंडली स्टेरॉइड्स। सो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि फीमेल्स के लिए कौन से मतलब कौन सा प्रॉब्लम चीज़ है स्टेरॉइड में जिससे प्रॉब्लम होती है। मेनली हम एंडोजेनिक इफेक्ट्स को देखते हैं। सो एंडोजेनिक इफेक्ट्स बेसिकली ये डिटरमाइन करता है कि हमारे सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सो वुमेन के एंडोजेनिक इफेक्ट्स उनके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन से आती है और मेन के एंडोजेनिक इफेक्ट्स हमारे टेस्टोस्टेरोन डीएचटी और कुछ हद तक नैंड्रोलोन से आता है। नैंड्रोलोन का खास कोई एंडोजेनिक इफेक्ट होता नहीं है, मेनली डीएचटी से आती है। सो बेसिकली एंडोजेनिक इफेक्ट में क्या क्या आता है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आइडेंटिफाई करता है कि कोई इंसान ये मेल है, और फीमेल के केस में उनके इफेक्ट्स डिटरमाइन करते हैं कि वो फीमेल है। सो मेल्स के केस में इसमें आ जाता है हमारा ये स्क्वायर जॉ डेवलप होना, आवाज़ गहरा होना, सिमिलरली एक्ने डेवलप होना, बॉडी हेयर की ग्रोथ होना, इवन मेल पैटर्न हेयर फॉल हो सकता है कुछ लोग के केस में। तो ये हमारे बेसिक इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ इफेक्ट्स होते हैं जो हमारे जेंडर के जो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो हम मान के चलते हैं कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसे पता चलता है कि ये इंसान मेल है और ये इंसान फीमेल है, वो भी चेंज होने लग सकते हैं हाई एंडोजेनिक इफेक्ट्स पे। और इस प्रोसेस को वीरलाइजेशन बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई फीमेल एक पर्टिकुलर टाइप कुछ टाइप के स्टेरॉइड जैसे टेस्टोस्टेरोन या डायनाबॉल हैवी डोज में लेंगे तो उनकी वीरलाइजेशन हो जाएगी। बेसिकली स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, सबसे पहले आवाज़ गहरी हो जाती है, चेहरा का शेप चेंज हो जाने लगता है, बॉडी हेयर की ग्रोथ आ जाने लगती है, इवन हिप्स और ये हिप्स जॉइंट की थोड़ी शेप चेंज हो जाने लगती है, और क्लिटोरल हाइपरट्रॉफी होती है। बेसिकली क्लिटोरस का साइज इंक्रीज होता है और इवेंचुअली वो ऑलमोस्ट पेनिस की तरह डेवलप हो सकती है। सो ये ऑब्वियसली मैं एक्सट्रीम केस बता रहा हूँ जहाँ पर नॉन स्टॉप स्टेरॉइड्स दिए गए हैं, और ऐसे केसेस फीमेल प्रो बॉडी बिल्डिंग में देखा जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग उसके पहले ही बंद कर देंगे। तो बात ऑब्वियस है कि हमें वो स्टेरॉइड्स को अवॉइड करने पड़ेंगे जिसमें या तो वीरलाइजेशन की रिस्क है या तो एंडोजेनिक इफेक्ट्स हमारे अनएक्सेप्टेबल है। सो कौन से कॉम्पाउंड्स हैं जिनमें वीरलाइजेशन की रिस्क मिनिमम होती है, यहाँ पर हमारे मेन कॉम्पाउंड्स आ जाते हैं एनावर, प्रामोबोलिन और मैस्टेरॉन। ये तीन कॉम्पाउंड सबसे कम विरलाइजेशन के इफेक्ट देते हैं और इस रीजन के और सबसे कम एंडोजेनिक इफेक्ट भी देते हैं, और इसके वजह से इनको सबसे ज़्यादा सेफ स्टेरॉइड्स माने जा सकते हैं फॉर विमेन। लेकिन फिर हमारे पास कॉम्पाउंड आते हैं जैसे विंस्ट्रॉल। सो विंस्ट्रॉल का विरलाइजेशन रिस्क पहले तीन कॉम्पाउंड से ज़्यादा है, लेकिन अगर हम बाकी सारे कॉम्पाउंड से कंपेयर करें तो काफ़ी सेफ रहती है। तो ज़्यादातर विमेन विंस्ट्रॉल को हैंडल कर पाते हैं, लेकिन कुछ विमेन होंगे जिनको विंस्ट्रॉल में प्रॉब्लम आएगी। और फाइनली आते हैं हम नैंड्रोल। नैंड्रोलोन का टेक्निकली कोई एंडोजेनिक इफेक्ट होता नहीं है, लेकिन फिर भी उससे विरलाइजेशन की रिस्क हो सकती है, इसलिए कुछ विमेन के लिए नैंड्रोलोन चल जाता है, लेकिन ज़्यादातर विमेन को प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होता है कि नैंड्रोलोन का हाफ लाइफ, जो नैंड्रोलोन लिखा होता है उसका हाफ लाइफ ऑलमोस्ट 18 महीने होता है। इसके वजह से इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक हाफ लाइफ नहीं, डिटेक्शन टाइम होता है उसका हाफ लाइफ ये 16 दिन होता है। एनीवे इसके साइड इफेक्ट्स बहुत लंबे टाइम तक चले रहते हैं बॉडी में, और इसके वजह से इसे परमानेंट डैमेज हो सकती है। इसलिए अगर कोई फीमेल नैंड्रोलोन ट्राई करना चाहते हैं तो हम फिनाइल प्रोपोनेट रिकमेंड करते हैं, क्योंकि वो 2 या 3 दिन के अंदर ही उसकी लेवल कट जाती है हमारी बॉडी में। तो अगर उसे प्रॉब्लम हो रही है उसको तुरंत बंद करके उसके प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। अभी फाइनली हम आते हैं जो कुछ एक्सपर्ट्स हमारे बेसिक बल्किंग स्टेरॉइड्स मानते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन, डायनाबॉल, एनाड्रॉल, ये हमारे बेसिक बल्किंग स्टेरॉइड्स हैं। और फीमेल बॉडी बिल्डिंग में कुछ फीमेल्स लो डोज में इन स्टेरॉइड्स को भी यूज़ करते हैं। ये रिकमेंडेड चीज़ नहीं है और इसमें 100% विरलाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, लेकिन लो डोज में इसका कम से कम जनरल हेल्थ रिस्क कम होता है। मतलब अगर आप विरलाइजेशन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो तो फिर हमें ये भी पता है कि हार्ट पे क्या साइड इफेक्ट दे रहा है, लिवर पे क्या साइड इफेक्ट दे रहा है। तो ये कंपाउंड्स फिर भी उन सिस्टम में उतनी लोड नहीं देते, लेकिन विरलाइजेशन जरूर करते हैं। तो जो ये हाई लेवल प्रोफेशनल फीमेल बॉडी बिल्डर्स होते हैं कभी कभी वो चूज कर लेते हैं कि ये कंपाउंड यूज करते हैं। इनमें मेनली आता है टेस्टोस्टेरोन, बोल्डिनोन और डायनाबॉल। अगर यहाँ पर डायनाबॉल को सिर्फ 5 mg के डोज में यूज़ की जाती है, टेस्टोस्टेरोन को भी 50 mg पर वीक के डोज में यूज़ की जाती है, और बोल्डिनोन भी 50 mg पर वीक, मिनिमम डोज चलाए जाते हैं। लेकिन कुछ प्रोफेशनल फीमेल बॉडी बिल्डर्स इस तरीके से भी मसल को बिल्ड करते हैं, लेकिन हाँ फिर उसमें साइड इफेक्ट हमारा गारंटीड होता है। अगर हम सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट्स दूर रखना चाहते हैं, अगेन एनावर, प्रामोबोलिन, मैस्टेरॉन, ये तीन मेन चीज़ें हैं। इनमें से भी एक चीज़ मैं एक पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि मैस्टेरॉन थोड़ा बहुत एंटी एस्ट्रोजन का काम करता है, तो कुछ विमेन को बहुत बुरी तरीके से लिबिडो में प्रॉब्लम आ सकता है मैस्टेरॉन चलाने पे। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है फिर उनका लिस्ट और छोटा हो जाएगा, सिर्फ एनावर और प्रामोबोलिन हो जाएगी, या तो वो फिर विंस्ट्रॉल भी ट्राई कर सकते हैं। जनरली विमेन को विंस्ट्रॉल पे लिबिडो को सपोर्ट मिलता है, तो अगर किसी को मतलब मैस्टेरॉन की वजह से विड्रॉल हो रहा है तो फिर वो मैस्टेरॉन को विंस्ट्रॉल से रिप्लेस कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं कि शायद उसमें ज़्यादा कम्फर्ट आए। के सी गौरव ने पूछा है
हेलो सर, हाउ टू यूज मेटफॉर्मिन यूजिंग बल्किंग। सो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि वैसे तो मेटफॉर्मिन हम यूज कर सकते हैं बल्किंग में भी और कटिंग में भी, और मेटफॉर्मिन सिर्फ तभी इफेक्टिव होता है जब हम इसको साल भर चलाते हैं। तो अगर कोई इंसान एक पूरा साल मेटफॉर्मिन 1000 mg पर डे चलाता है तो फिर एक पूरे साल में उनकी एवरेज 3-3.5% बॉडी फैट की लॉस होती है। लेकिन मेटफॉर्मिन नॉर्मल फैट बर्नर की तरह नहीं काम कर रहा। इन द सेंस वो डायरेक्टली कुछ भी फैट बर्न करने के लिए करता नहीं है। वो क्या करता है कि ये इंश्योर करता है कि हमारी बॉडी को ज़्यादा आसान लगना चाहिए फैट बर्न करना, और मसल बर्न करना ज़्यादा मुश्किल लगना चाहिए, और मसल बिल्ड करना ज़्यादा आसान लगना चाहिए। तो धीरे धीरे करके बॉडी फैट परसेंटेज चेंज होती है। तो मेटफॉर्मिन अगर यूज़ करना ही है तो साल भर ही यूज़ करना है, फिर इसका कोई बल्किंग या कटिंग का हिसाब नहीं होता। लेकिन आजकल हम मेडिकल साइंस में और इवन बॉडी बिल्डिंग में मेटफॉर्मिन से ज़्यादा अच्छा बर्बराइन मानते हैं। बर्बराइन आप देखोगे कि सप्लीमेंट नया आया है अमेजोन पे, और मतलब आप ऑनलाइन इसको ढूंढ सकते हो या शॉप से भी ढूंढ सकते हो। बर्बराइन 1500 mg बर्बराइन 1000 mg मेटफॉर्मिन की इक्वल होता है इन टर्म्स ऑफ पोटेंसी। लेकिन मेटफॉर्मिन थोड़ा बहुत हमारा जो इंड्योरेंस है उसको कम कर देता है, जिसके वजह से कुछ एथलीट्स को प्रॉब्लम आती है, कुछ लिफ्टर्स को प्रॉब्लम आती है। तो बर्बराइन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता, प्लस बर्बराइन थोड़ा बहुत मसल ग्रोथ को सपोर्ट भी करता है। और इस रीज़न की वजह से आजकल बॉडी बिल्डिंग में हम मेटफॉर्मिन की जगह बर्बराइन को रिकमेंड करते हैं। सो आप 3 times daily 500 mg मील्स के साथ ले सकते हो और उसको लगातार चला सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें आखिरी क्वेश्चन एक्चुअली ये आ जाता है कि क्या मेटफॉर्मिन या बर्बराइन लेना ज़रूरी भी है और उससे कोई फ़ायदा भी हो रहा है। तो बेसिकली बर्बराइन और मेटफॉर्मिन करता क्या है, ये बेसिकली आपका HbA1c लेवल जो होता है कि आपका बॉडी ब्लड शुगर को कैसे कंट्रोल कर रहा है उसको 5.7-5.5 इस टाइप के रेंज में ला देगा। तो अगर आपका करंट HbA1c लेवल 6 है या 6.5 है तो मेटफॉर्मिन या बर्बराइन उसको नीचे खींच देगा। ये अच्छी चीज़ होती है क्योंकि जितना ज़्यादा HbA1c लेवल होता है उतना ख़राब तरीके से हमारा बॉडी शुगर यूज़ कर रहा है और उतना ज़्यादा फैट गेन हो रही है। तो HbA1c कम करने से ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी कंपोजिशन में फ़ायदा होता है। लेकिन इसका एक लिमिट भी है, इन द सेंस कि अगर आपने ब्लड टेस्ट कराया और आपका HbA1c लेवल ऑलरेडी 5.1-5.2 ऐसे कुछ है, जो बहुत कॉमन होती है बॉडी बिल्डर्स में। चीज़ क्या होता है ना कि बॉडी बिल्डिंग में हम वैसे भी डेली वर्कआउट कर रहे हैं, हार्ड वर्कआउट कर रहे हैं, जितना ज़्यादा हम वर्कआउट करते हैं उतना ज़्यादा मसल्स में शुगर बर्न होता है और उतना ज़्यादा हमारे HbA1c लेवल डाउन हो जाती है। तो हो सकता है कि आपका वैसे भी HbA1c लेवल 5.5 से कम ही है, तो ऐसे सिचुएशन में मेटफॉर्मिन या बर्बराइन लेने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपका बॉडी ऑलरेडी मैक्सिमम बेनिफिट ले चुका है उस पर्टिकुलर चीज़ का। अभी अभी मान के चलो कि किसी का ब्लड शुगर लेवल एक्चुअली काफ़ी मतलब ये थोड़ा हाई है, लेकिन वो एक्सरसाइज डेली भी कर रहे हैं और उनको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा सपोर्ट के लिए। ये सिचुएशन एक्चुअली ज़्यादातर सिर्फ ग्रोथ हार्मोन यूजर्स के साथ होती है, यानी कि अगर आपने बेसिकली ग्रोथ हार्मोन को अराउंड 4 या 5 IU पर डे के डोज से ज़्यादा यूज़ किया तो वो फिर ब्लड शुगर लेवल और फिर HbA1c लेवल को बढ़ा देता है। तो ऐसे सिचुएशन में फिर बर्बराइन या मेटफॉर्मिन ज़रूरी हो जाती है बॉडी बिल्डिंग में। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है तो फिर आपको टेंशन लेने की भी बात नहीं है। और वैसे भी अगर आप HGH बहुत ज़्यादा डोज में चला रहे हो, जैसे 10 IU या ऐसे कुछ, फिर तो आपका बर्बराइन या मेटफॉर्मिन से भी काम नहीं चलेगा, आपको इंसुलिन ही चलाना पड़ेगा, फिर वो अपने में अलग डिस्कशन हो जाती है। सनी सिंह ने पूछा है, सर साइकिल स्टार्ट करते टाइम फैट परसेंटेज कितनी होनी चाहिए गेनिंग के लिए। जनरली हम रिकमेंड करते हैं कि आपका स्टार्टिंग बॉडी फैट परसेंटेज 15% है, उससे कम होनी चाहिए। ये ऑब्वियसली मैं मेन के लिए बता रहा हूँ, फिर वुमेन परसेंटेज कुछ 21-22% होगा पहला साइकिल से पहले, या कोई भी साइकिल से पहले। इसका रीज़न बहुत सिंपल है, बेसिकली हमारा बॉडी में जो एरोमेटाइजेशन होती है, यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है, वो फैट सेल्स के जगह होती है, वो साइट है उसका। इस रीज़न की वजह से जितना ज़्यादा हमारा बॉडी में बॉडी फैट होती है उतना ज़्यादा हमारा टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है, और एक बॉडी फैट परसेंटेज के बाद आप जो टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन ले रहे हो वो 1 एस्ट्रोजन ही रहा है। आपका उल्टा और ज़्यादा मोटापा गेन होगा, क्योंकि वो एस्ट्रोजन बढ़ने की वजह से और फैट परसेंटेज बढ़ जाएगी। तो इसलिए अगर आपका स्टार्टिंग बॉडी फैट परसेंटेज 15% उससे कम है तो फिर हम सेफली स्टेरॉइड्स को हेवी डोज में चला सकते हैं और हमें ये कॉन्फिडेंस आती है कि एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अक्षय, यू हैव आस्क्ड मी टू आंसर इन इंग्लिश बट यू हैवंट एक्चुअली टोल्ड मी व्हाट द क्वेश्चन इज, सो जस्ट टाइप योर क्वेश्चन एंड राइट देयर इन इंग्लिश सो दैट यू नो राइट द फ्रेज प्लीज आंसर इन इंग्लिश सो दैट आई नो दैट आई हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन इंग्लिश, अदरवाइज आई विल बी आंसरिंग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन हिंदी। उज्ज्वल दीक्षित ने पूछा है, सर प्लीज टेल मी अबाउट डाइट प्लान ऑफ हाइपोथायरॉयड।
तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. सो सबसे पहले हाइपोथायरॉयडिज्म होती क्या है, एक बार जिन लोगों को मालूम नहीं उनको कवर कर लेते हैं. हाइपोथायरॉयडिज्म होती है कि जहाँ पर हमारा जो थायराइड है वो नेचुरली थायराइड का T3 और T4 का लेवल मेंटेन नहीं कर पा रहा है. बेसिकली कोई ना कोई रीज़न की वजह से हमारी हमारी थायराइड की प्रोडक्शन डाउन हो चुकी है और इसकी वजह से हमारी मेटाबॉलिज्म क्रैश हो जाती है. बेसिकली जितना हमारा जो थायराइड हार्मोन्स है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं. मेटाबॉलिज्म बेसिकली होता है कि हमारा बॉडी एक दिन में कितना एक्टिविटी कर रहा है, मतलब कितने केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, कितना एनर्जी यूज़ हो रहा है. पूरा चीज़ जो टोटल टोटल एक्टिविटी होती है बॉडी की और उसकी एनर्जी कॉस्ट जो होती है उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. सो ओवरऑल अगर हमारा थायराइड प्रोडक्शन कम है तो ओवरऑल बॉडी की फंक्शन ही स्लो चल रही है. सो इसलिए हाइपोथायरॉयडिज्म प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इससे मतलब काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकता है. प्लस वेट गेन होती है, वाटर रिटेंशन होता है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म. सो हाइपोथायरॉयडिज्म में हम बेसिकली 3-4 पॉइंट्स को कंसीडर करना पड़ता है. सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है हाइपोथायराइड पेशेंट में कि क्या उनकी कोई डिफिशियंसी है जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है. तो ये एक्चुअली काफ़ी कॉमन रीज़न होता है हाइपोथायराइडिज्म की वजह से, हाइपोथायराइडिज्म का, स्पेशली वेजिटेरियंस में जो अपने डाइट में उतना ज़्यादा वैरायटी यूज़ नहीं करते. सो फॉर एग्जांपल अगर आपका डाइट बहुत लिमिटेड है तो उस रीज़न की वजह से भी आपकी हाइपोथायराइडिज्म हो सकती है. तो काफ़ी बार एक्चुअली डाइट चेंज करने से हम हाइपोथायराइड का प्रॉब्लम है उसको कुछ हद तक कर सकते हैं. नॉर्मली हमारे इश्यूज आते हैं हमारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के वैरायटी में. एसेंशियली हमें कोशिश करना पड़ता है कि हर मील में मैक्सिमम यू नो टाइप ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इंक्लूड हो. जब हम मैक्सिमम टाइप्स बोलते हैं यानी कि एक दिन के अंदर आपके अलग कलर्स, अलग टेक्सचर्स, अलग स्मेल्स, अलग टेस्ट्स, ये सब चीज़ें, ये सब वेरिएशंस इंक्लूड होने चाहिए. सो काफ़ी लोग अपने डाइट के वैरायटी में इतना ध्यान नहीं देते और इस रीज़न की वजह से ओवर टाइम थायराइड प्रॉब्लम डेवलप हो सकता है. दूसरा है आयरोनिकली आयोडीन का डिफिशियंसी. ये स्पेशली कॉमन होता है उन लोग में जो पिंक सॉल्ट या मतलब जो रॉक सॉल्ट यूज़ करते हैं अपने खाने में, लेकिन नॉर्मल जो टाटा आयोडाइज नमक मिलता है वो नहीं यूज़ करते. लेकिन जो आयोडाइज नमक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और हमारे डाइट में आयोडीन और कहीं से आता ही नहीं है. तो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि ये पिंक सॉल्ट या ये सब चीज़ को यूज़ करें. मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि आप टाटा नॉर्मल जो आयोडाइज सॉल्ट होता है उसको यूज़ करो, वो बहुत ज़रूरी होता है और उसके बिना डेफिनेटली हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगी. इनफैक्ट आयोडीन के सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं अगर सिचुएशन इतनी ख़राब है. तीसरी होती है कि सेलेनियम और कुछ और जो ट्रेस मिनरल्स होते हैं वो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और उससे थायराइड की प्रॉब्लम आ सकती है. तो आपको नॉर्मली अगर आप अमेजोन पे जाओगे तो आपको ये मिलेगा सीवीड के सप्लीमेंट्स, इसको केल बोलते हैं. सो केल सब्जी भी अलग होती है लेकिन केल सीवीड सप्लीमेंट भी आता है. उसका 500 mg का टैबलेट डेली काफ़ी हद तक थायराइड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है. साथ में नेचुरल थायराइड को बूस्ट करने के लिए हम डाइट में कुछ चेंजेस ला सकते हैं. हम नॉर्मली ये कोशिश करते हैं कि हर मील में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी हमारा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का हो, उसके सेकंड हाईएस्ट क्वांटिटी हमारे प्रोटीन्स का हो और थर्ड हाईएस्ट क्वांटिटी हमारे स्टार्चेस का हो. तो स्टार्चेस में बेसिकली आ जाता है हमारे वाइट राइस, ब्राउन राइस, अरबी, पटेटो.